हेलो फ्रेंड, मंजू फूड एंड क्रिएटिव आइडियाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्प्राउट चाट, जो बहुत हेल्दी होती है, बच्चे बड़ों सभी के लिए हेल्दी होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है और वज़न को भी। तो चलिए आज हम बनाते हेल्दी स्प्राउट चाट। स्प्राउट्स अच्छी मात्रा में प्रोटीन से भरे होते हैं। 1 कप स्प्राउट्स में 14 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप कुछ प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करना चाहते हैं और साथ में अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिए। आप किसी भी दालों का स्प्राउट बना सकते हो। आज मैंने बनाया मोठ दाल का, और इसको बनाने के लिए मैंने रात में 1 बड़ी कटोरी मोठ की भिगो दी थी। तो देखिए, फूल की अच्छे से मैंने अच्छे से धोकर भिगोया था इसको। अब इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे, पानी को अलग कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्प्राउट कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। 5-6 घंटे में स्प्राउट बहुत अच्छे से निकल आए हैं। गर्मी के मौसम में जल्दी से स्प्राउट हो जाते हैं। अंकुरित दालें, जिन्हें हम स्प्राउट्स भी बोलते हैं, काफ़ी पौष्टिक होते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स कम वसा वाला भोजन और फाइबर से भरपूर होने के कारण कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। देखिए, हमने स्प्राउट को थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में और 1 सीटी लगवा ली ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। नरम होने के बाद देखिए, इस तरह से स्प्राउट बनकर तैयार हो गए। हमने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल किया था इसको, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही बनाया है हमने। थोड़ी देर मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अच्छा लगेगा गर्मी में खाने के लिए। तो इसमें मैं खीरा डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, प्याज, हरी पत्ती, धनिया, हरी मिर्च, 1 नींबू का जूस। स्प्राउट चाट बनाने के लिए हमने लिया है 1 बड़ा कप स्प्राउट मूंग, ये जो है मोठ के स्प्राउट हैं, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कप कटा हुआ खीरा। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम हरी मिर्च डालेंगे। अब मसालों में हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालो। मैंने जब इनको वो थोड़ा बॉयल किया था तो भी उसमें नमक डाला था, और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड की है तो थोड़ी सी हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा और अमचूर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। और मैंने डाला है जो पिज़्ज़ा के साथ एक सीजनिंग और ऑरिगैनो का पैकेट आता है, उसको मैंने डाला है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप डाल कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और नींबू का जूस डाल देंगे और थोड़ी धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मोठ की हेल्दी टेस्टी चटपटी चाट तैयार है। वज़न को कम करने के लिए स्प्राउट सलाद एक बेहतरीन रेसिपी है। इसे हमें स्वास्थ्य में पोषण प्रदान भी करता है, पेट को लंबे समय तक भरा भी रहता है, बार बार होने लगने वाली भूख को भी कम करता है, पाचन क्रिया को भी बढ़ा देता है। तो देखिए फ्रेंड, चाट हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।